बिल्कुल एकदम सीरियल बना दिया हमले का और लगातार लगातार देश को कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इसकी मतलब ऐसा तोड़ दो, ऐसा डरा दो, ऐसा भय का माहौल पूरे देश में पैदा कर दो कि कोई बोलने लायक नहीं है। ये देश हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमें कोई डरा नहीं सकता, कोई डिटेंशन कैंप नहीं बना कि जहाँ हमें कोई कर दे। अगर कोई जाएगा तो इसके लिए पहले शुरुआत मोदी जी और अमित शाह से ही होनी चाहिए। बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और ये साजिश आज जो है 2014 के बाद से शुरू हुई, लेकिन अब इम्प्लीमेंट करना सरकार चाह रही है। मुख्तलिफ तरीके से दबिश डाल रही है और जिस देश में, जिस देश की सरकार है, तो उस मुल्क को जो है ये डोमेस्टिक सिविल वॉर की तरह जो है ढकेल रहा है, लगातार सरकार ढकेल रही है। ये इमरजेंसी जैसे हालात पूरे मुल्क के हो गए हैं इस वक्त। हमें बहुत ही सीरियसली, बहुत ही संजीदगी के साथ ये हमें गौर करना है और हमें हमारी संवैधानिक तरीके से हमें अपनी लड़ाई लड़ना है कानून के दायरे में रहकर। हम तो इस मुल्क में वो लोग हैं कि जो कानून का हमेशा पालन किया है, संविधान को हमेशा माना है और संवैधानिक तरीके से हमने अपने आप को जो है यहाँ पर प्रूफ किया है और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आवाज़ जो हम उठाते हैं देश हित के लिए, जनता के लिए, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अभी जो ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है NPR के बहाने कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत, बाई बर्थ हम हिंदुस्तानी हैं, जब हिंदुस्तानी हैं तो हमें कागज़ प्रूफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, यानी सरकार किस बेस पर ये करवाना चाहती है, सरकार को अगर आखिर किस बात से खतरा है। और ये भी नहीं, तीन मुल्कों से यहाँ शरणार्थी को लाकर बसाना चाहते हैं, जबकि ये काम हम बहुत पहले से, आज़ादी के बाद से बहुत पहले से ये होता चला आ रहा है कि जब भी कोई किसी मुल्क में यहाँ आने के और रहने की कोशिश की है तो उसको बड़े सम्मान के साथ रखा गया है। लेकिन बावजूद अब सरकार की नीयत पर हमें शक हो रहा है, अब क्यों ज़रूरत पड़ गई, वो भी सिर्फ हिंदू को। और अभी CAA जो ला रही है और सिर्फ सेफ करेगी तो हिंदू को, लेकिन मैं ये पूरे देशवासियों से, अपने खास तौर से अपने हिंदू भाई बहनों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि उनके चक्रव्यूह में ये उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा धोखा है। ये बकरा बना रहे हैं, बलि का बकरा, जब आज तो शुरुआत मुसलमानों के नाम पर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शरणार्थी जो यहाँ पर आए हुए घुस बैठी हैं उनके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा चक्रव्यूह है कि इस चक्रव्यूह में सभी आ रहे हैं, तो इससे आप लोग पूरा सावधान बरतें और सावधान तरीके से अपना काम करें। पूछा क्या जाएगा 1 अप्रैल से, जो फॉर्म की लगातार बात चल रही है? 1 अप्रैल में जो वहाँ पर फॉर्मेट आएगा, जो पूछा जाएगा, जो हमें फॉर्म फिल करना है जिस तरीके से, वो जानकारी लोगों को होने चाहिए। हालांकि जो है ये राज्यसभा से अनाउंसमेंट तो अमित शाह जी ने कर दिया है और ये रिकॉर्डेड भी है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कितनी बार झूठ बोला गया है, कितनी बार देश को गुमराह किया गया है, कितनी बार अपने मकरो फरेब से लोगों को जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। अब ये कह रहे हैं अमित शाह जी कि हम तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और NRC तो होगा ही नहीं, और ये भी कहा है कि जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी ही दे दीजिए, और डाउटफुल की तो गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन हम इस को मानने के लिए, दबानी मांगने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है जबकि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। देखिए कानून जो बनता है देश कानून से चलता है, जुडिशरी कानून से चलते हैं, तो जब देश कानून से, देश की जनता कानून के दायरे में आती है तो ये कानून का उल्लंघन कैसे करेगी? आप लाख चिल्ला चीख चीख करके ये कह दें कि भाई हम इसको नहीं ला रहे हैं और हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, आप वही नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, कानून बदलिए तो हम मानेंगे।
कानून जब लाकर हमारे सामने कल खड़ा कर दिया जाएगा, अगर आपकी बातों में हम आते हैं तो जनता वही बात हुई कि फिर से बेवकूफ़ बनेगी। तो मेरे पूरे देशवासियों से ये अपील है कि इस बात को बिल्कुल सीरियसली खारिज करें आप, और इस बात को कतई ना माने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ी साजिश है। रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजा गया राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके, बिल्कुल बताया जा रहा है एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम चीज जो उनको वो जानते हैं, अब बहुत बड़ी हेर फेर करने वाले हैं, क्या इस बात का अंदेशा है आपको या कुछ इस तरह की सोच रख रहे हैं आप? बिल्कुल वो आए, बड़ी खुशी की बात है कि आज कोर्ट भी शामिल हो रहा है, है ना, राज्यसभा लोकसभा में पार्लियामेंट में शामिल हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पीछे की जो मंशा है वो शक के दायरे में कहीं ना कहीं आ रही है। इससे पहले तो कई दो 2014 के बाद से जो हो कुछ हो रहा है, मानो पूरा देश देख रहा है, और पूरे देश आज जो एक सुर में बोलना शुरू कर दी है या एक साथ खड़ा हो गया है, तो मामूली बात नहीं है, क्योंकि धोखा आपने दिया है, सरकार ने धोखा दिया है, सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, पूरे देश को लूटने का काम किया है, 27 लाख करोड़ जो है उन्होंने बैंक से लिया है, बैंकों को लूट लिया है, खाली कर दिया है, और देश आज पैरालाइज हो गया है। आज जो है बच्चों की नौकरी नहीं है, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, सड़कों पर हैं, आज उनकी सिक्योरिटी नहीं है, आज जो करोड़ों युवा जो है उस पर कन्फ्यूज हो करके अब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस वक्त उनको जो है अपनी तैयारी करना चाहिए, अपने फ्यूचर प्लान करना चाहिए, उस वक्त आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा प्लान करके उनका दोहरा मापदंड दे रहे हैं, ये किस बात की सजा दे रहे हैं, ये उनसे सरकार इसके लिए जवाब दे है। लगातार रुपए में गिरावट हो रही है, जो कभी 70 रुपया हुआ करते थे आज वो 75 रुपए से ज्यादा हो गया है, 73 सालों में इतनी गिरावट पहले कभी नहीं आई थी, क्या ये अर्थव्यवस्था का कमर टूटने वाला है या टूट गया? पूरी तरह से मैं बताना चाहूंगी कि अगर जब ये सरकार ऐसी सरकार है कि जब उनसे कोई सवाल किया जाता, सरकार से कोई सवाल होता है तो सीधा या तो पाकिस्तान से जोड़ता है या तो कोई कांडया होता है। देखिए यहाँ पर जब पूछा गया तो बालाकोट और पुलवामा हमला हो गया, 370 हो गया, उसके बाद जो है ये ला करके लौ जहाद मॉब लिंचिंग करवा दी गई, उसके बाद जो है ट्रिपल तलाक इशू हो गया, उसके बाद जो है बाबरी मस्जिद का लाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद अब ये नोटबंदी जीएसटी लगा दी, उसके बाद जो है अब ये लाकर खड़ा कर दिया, मतलब ये कि लगातार जैसे मानो कि एक सीरियल बना दिया है हमले का, बिल्कुल एकदम सीरियल बना दिया हमले का, और लगातार देश को कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसकी मतलब ऐसा तोड़ दो, ऐसा डरा दो, ऐसा भय का माहौल पूरे देश में पैदा कर दो कि कोई बोलने लायक नहीं है, जबकि ये उल्टा पड़ गया, आज पूरे देश खड़ा होकर एक सुर में बोल रहा, पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, और ये सरकार की नाकामी है, सरकार ने मौका दिया है, आज बाला दस्ती के साथ पूरा देश डट करके बोल रहा है, खड़ा होकर के बोल रहा है और सवाल कर रहा है पूरी जो है संवैधानिक तौर पर, और ये पूछ रहा है कि भाई कब तक ऐसा करेगी सरकार, ये कब तक हम डरेंगे, कब तक किस तरह भय का माहौल वो पैदा करते रहेंगे और चुपचाप सुनते रहें, यहाँ तक कि पूरे देश के बेचने लाल किला बेच दिया, ताजमहल और उसके बाद एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे, मतलब क्या नहीं किया है, और सिर्फ फायदा हुआ अडानी अंबानी का, उसके बाद विजय माल्या को भगा दिया, नीरव मोदी को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, मतलब क्या क्या नहीं यहाँ हुआ भाई, सरकार की उसमें थाली में खाना परोस कर एक साथ अंबानी अडानी के साथ खाया जाता है, और कमर तोड़ी जाती है पूरे देश की, और जनता जद में आती है, जनता को परेशान किया जाता है, जनता अगर संवैधानिक तरीके से कानूनी दायरे में रहकर सवाल करती है तो उसको डराया जाता है, उसको जो है मॉब लिंचिंग की जाती है, उसको मार दिया जाता है, अब ये देखिए अब दूसरा सवाल हमारे सामने आ गया। एक सवाल है, जो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कह रहे हैं वो कि अगर NPR NRC लागू हो गया तो 2024 में चुनाव नहीं होगा, लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, क्या इस बात से आप कहाँ तक मालूमात होती है, कहाँ तक आपको लगता है कि क्या इस देश में हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं,
और डट कर सामना किया है, हिम्मत के साथ किया है। अगर किसी ने नहीं दिया तो ORSS ने नहीं दिया, ब्राह्मण ने नहीं दिया है। तो हम उसी के नाते हम ये कहते हैं ये मुल्क हमारा है। यहाँ हर समुदाय ने खड़े होकर के और उसके बड़ी ताकत का मुजाहरा करते हुए डट कर यहाँ गद्दारों को भगाया है, अंग्रेजों का मुँह तोड़ जवाब दिया और यहाँ से भगा दिया देश को और देश को आज़ाद कराया है। तो ये हकीकत सब जानते हैं और ये देश हमारा है और हम भाई बर्थ यहाँ हिंदुस्तानी हैं। ये देश हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमें कोई डरा नहीं सकता, कोई डिटेंशन कैंप नहीं बना कि जहाँ हमें कोई कर दे। अगर कोई जाएगा तो इसके लिए पहले शुरुआत मोदी जी और अमित शाह से ही होनी चाहिए। विकल्प क्या है पूरे मुल्क, लास्ट सवाल, विकल्प क्या है? विकल्प देखिए इसका यही है कि हम फिर से, मैं पूरे देश से ये अपील करना चाह रही हूँ, ये हमारी लड़ाई बहुत लंबी है CA की। NPR का हम बायकॉट करेंगे। NPR का हम बायकॉट, दो फॉर्मेट जो आ रहा है, गौर से इसको सुनिए आप, उसके जो डिमांड है, उसकी जो डिमांड है, इसमें बहुत कम का अंतर है, बहुत कम का फर्क है कि जो पहले होगा हाउस लिस्टिंग होगी, उसके बाद ये NPR आएगा। तो उसको बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए ये जिम्मेदारी है नागरिक होने के नाते कि आप उसको समझें, उसके बाद पढ़ें, पढ़कर लोगों को बताएं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसमें फ़र्क है तो कौन सा फ़र्क है। हाउस लिस्टिंग कराना ज़रूरी है, ये हमारे हित के लिए है, लेकिन NPR का पूरी तौर पर बायकॉट करेंगे। फिर से मैं बोल रही हूँ आप चैनल माध्यम से कि पूरे देश से मेरी ये अपील है कि इसका बायकॉट करें जब तक कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हो, कानून इसके लिए ना बनाया जाए, तब तक हम इसकी मुखालफत पूरे देश में ये मैसेज पहुँचना चाहिए। और दूसरी बात ये है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, संवैधानिक तरीके से हमारी लड़ाई, हम इसको लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसको संवैधानिक तरीके से कानूनी दायरे में रहकर ही हम लड़ेंगे। और पूरे देश में अपील करना चाह रही हूँ कि आप लोग भी एक गंगा जमुनी तहजीब और इस देश में जो एक संस्कृति सभ्यता है उसका पालन करते हुए अच्छे नागरिक की तरह हम ये मैसेज दें और कि ये जो है दुनिया भर का जो ये आलतू फालतू बातें आ रही हैं उसको सिरे से खारिज करें। और हमें CM जो अनाउंसमेंट किए और हमारे लिए जो है वो दुखी हैं और ये जता रहे हैं कि हम साथ में हैं, तो मैं सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि बाकी और बातों पर ध्यान रखा जाए। जो जाफराबाद में हुआ आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ के जिनके जो बेघर हुए लोग हैं वहाँ पर आज किस हालात में हैं। जो हाइजीनिक की बात आती है, अनहाइजीनिक वहाँ इतनी ज़्यादा है कि आप देख कर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसका भी ख्याल सरकार करे और जो मासूम लोग जो पकड़े गए हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये भी मैं कहना चाहूँगी उनको लाया जाए और उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए और ये जिम्मेदारी यहाँ की दिल्ली सरकार भी ले, क्योंकि ये राइट है उनका, उनका ये हक बनता है कि जिनको ज़बरदस्ती और गैर तरीके से उनको एलिगेशन लगा के, इल्ज़ाम लगा कर उनको सलाखों के पीछे किया गया है और उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले आज सड़कों पर भटकने पर मजबूर हैं।